चलो हो गया, अभी डीट कर लेंगे अभी मेरा वादा है। सो हाय एवरीवन, सो कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन फ्रॉम अलोक, विल हैव अ लुक विथ व्हाट वोल्टो डेज एंड गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ क्लोन 6 एंड वोल्टो, व्हाई वी आर अडॉप्टिंग वोल्टो डिफॉल्ट फ्रंट एंड फॉर क्लोन 6। सो हाय, माय नेम इज निलेश एंड आई वर्क एज अ डेवलपर कंसल्टेंट एट ऑडे वेब एंड आई एम आल्सो अ मेंबर इन क्लोन फाउंडेशन। So let's start. So okay, I'll switch to Hindi because we are advised to do presentation in Hindi because it's a local language of India. So how modern CMS should look like? So basically, क्या होता है कि clone 6 में पहले तो clone जैसे आलोक ने बताया कि clone 6 हम लोग use करते थे पहले and 20 साल से 22 साल से clone ही चला जा रहा है with the default front end clone का। तो उसके बाद अभी क्लोन जब 6 वो लोग रिलीज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ने सोचा कि क्लोन वोल्टो को डिफॉल्ट फ्रंट एंड बनाएंगे, क्योंकि एक जो अगर अगर फ्रंट एंड क्लोन का अपार नहीं है बाकी सीएमएस से तो वो कम्पीट नहीं कर पाएगा मार्केट में। दैट्स व्हाई जो है हाउ अ मॉडर्न सीएमएस शुड लुक, मतलब हर एक आजकल के जो सीएमएस होती है उनमें ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जो यूजर फ्रेंडली वो होना ही चाहिए। उसके बाद उसमें टेम्पलेटिंग इंजन होना चाहिए, मतलब जो हमारे पास हम लोग बेसिकली सेमेंटिक यूआई यूज करते हैं, सेमेंटिक यूआई एंड रिएक्ट। तो दूसरी चीज वो एकदम हाईली एक्सटेंसिबल होना चाहिए और उसमें एडवांस होनी चाहिए, जैसे क्लोन में वी डू हैव सम एडवांस जो पाइथन बेस्ड है, जो क्लोन के एडवांस है वो पाइथन बेस्ड है, जो वोल्टो एडवांस है वो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट बेस्ड है, दोनों में फर्क होता है। तो जो क्लोन के एडवांस है बेसिकली उनको आप वोल्टो में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको आपको उसके लिए व्यू बनाना पड़ेगा जो रिएक्ट से आप बनाते हो। दूसरी चीज जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो कंटेंट आर्किटेक्चर, बिकॉज जो कंटेंट होता है वो एक ही तरह से लिखा गया है क्लोन में एंड उसको आप एक्सटेंड करके यूज करते हो एंड वही कंटेंट जो है क्लोन में जनरेट किया होगा। तो ये मैं बताऊंगा कंटेंट आर्किटेक्चर के बारे में बाद में। एंड दूसरा इज कम्युनिटी एंड सपोर्ट, क्योंकि क्लोन की कम्युनिटी इज वेरी वाइड एंड पूरे यूरोपियन एंड यूएस में बहुत ज्यादा फैली हुई है, इट्स ऑल्सो एक्सपेंडिंग इन इंडिया। सो मॉडर्न फ्रंट एंड जैसे बताया कि फ्रंट एंड की मॉडर्न फ्रंट एंड को मॉडर्नाइज करना बहुत जरूरी है किसी भी नए प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो उसका मतलब डिक्लेरेटिव मॉडल होता है कोई भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में जैसे रिएक्ट में है, फिर इजी टू लर्न होता है एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम एंड डेवलपर टूल्स जो होते हैं नॉर्मली सबको पता है। ओके, सो वोल्टो जैसा बताया था इसने, इट्स अ रिएक्ट बेस्ड, बहुत लोगों को पता नहीं हो कि वोल्टो क्या है, तो क्लोन एंड वोल्टो दे आर नॉट डिफरेंट। सो क्लोन 6 Volto is the default front end for Clone 6. So, it's just like you could say it's a CMS on top of Clone REST API, because किसी भी backend को connect करने के लिए आपको REST API चाहिए। तो Volto is just a React based front end for Clone CMS. Basically, you can regard it's also a CMS which uses the capability of Clone. So, modern design system on top of Semantica, because Volto का जो है जो design system अभी है जो recently हम लोग use करते हैं currently, उसका नाम है Pasta नाम है UI. And it's basically it's just a themed version of semantic UI. तो semantic UI में हम theming कर सकते हैं and वो theme लगा के हमने पास्ता नगर UI बनाया है। So उसके बारे में भी दिखाऊँ। Basically what you see in this it's all पास्ता नगर UI. It's developed on top of semantic UI. It's theme basically. So we also have a translation support. Like more than I think it's having I think 20 plus languages, so it's IATN and Pula full support hai translation ka both in Clone and Volto, and consistency hai kyunki it's been commit ke jo frequencies hai wo bahut zyada hai isme, consistently hum log release karte hai versions Clone ki and Volto ki, और enormous number of add-ons। तो add-ons के बारे में I'll tell कि add-ons क्या होते हैं, add-ons से basically हम क्या क्या कर सकते हैं, तो add-ons के बारे में बताऊंगा मैं कि और कितना add-on ecosystem है हमारा। जो Volto editor है that's the heart of Volto, ये Volto का मतलब बोल सकते हो आप दिल है, and it's the way how Volto works with this Volto editor। and किसी भी website बनाते हो आप या कोई भी intranet बनाते हो, कोई भी portal बनाते हो, कोई भी web application बनाते हो, या कोई भी लेट्स से आप मोबाइल ऐप ही बनाते हो, तो उसमें आपको आप ये चाहोगे उसमें कोड कम लिखो आप, तो इसमें बेसिकली आप सब कुछ थ्रू द वेब कर सकते हो। हम लोग इसको थ्रू द वेब बोलते हैं, TTW थ्रू द वेब डिजाइन।
तो सब कुछ आप, आपको कोड कम लिखने की कम जरूरत पड़ती है, आप सब कुछ जो सी एम एस है इसी में बताते हो, तो इसके बारे में कैसे काम करता है स्लेट. सो स्लेट इज बेसिकली इट्स अ रिच टेक्स्ट एडिटर. सो आप लोगों को पता होगा, हम आप लोग सब लोगों ने यूज किया होगा गूगल डॉक्स, उसमें एडिटर होता है. मीडियम हो गया, सो मीडियम स्लेट ही यूज करता है. जो मीडियम का एडिटर, जो आप पोस्ट लिखते हो मीडियम में, तो वो स्लेट ही यूज करता है. गूगल डॉक्स में भी स्लेट कंफिगरेशन है. सो स्लेट क्या करता है कि बेसिकली इट्स अ रिच टेक्स्ट एडिटर, इट्स वॉइस फिट टाइप. व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब आप जो उसमें आप जो एडिट मोड में देखोगे वही आप व्यू में देखते हो. तो स्लेट है ये, इट्स अ एडिटर बेसिकली. And in Vault, in Plone 6, we will be switching to Slate by default. So before, मतलब अभी at present we use this DraftJS. DraftJS Facebook ने बनाया है, तो हम DraftJS use करते हैं, but उसके काफी ज़्यादा limitations है, उसका bundle size बहुत ज़्यादा है, तो वो हम use नहीं कर सकते. And उसमें और भी बहुत सारा, उसका जो content model है JSON, वो भी JSON है, ये भी JSON ही है, but उसका model वो एकदम बोलते हो आपकी hierarchy में नहीं आता है. एंड बहुत सिंपल, इसका मॉडल बहुत सिंपल है. तो आई लेट यू सी क्या ये है. सो ये रिच टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करता है एंड कस्टमाइजेबल इसका स्कीमा. स्कीमा का मतलब होता है कि हर एक जैसे हर एक एडिटर का या हर एक कंपोनेंट का जो डेटा आता है उसको स्कीमा बोलते हैं, कि इसी फॉर्म में वो डेटा लेगा एंड इसी फॉर्म में वो डेटा ऑल अराउंड जो है स्प्रेड होता है. स्कीमा इज बेसिकली यू कुड से इट्स जस्ट अ जेसन जिसमें फील्ड्स जो है वो प्री डिफाइंड आती है. ये पर्टिकुलर डेटा इसी फील्ड में डेटा लेता है, तो दैट इज स्कीमा. एंड ऑप्ट इन फीचर जैसे मैंने बताया इज हाईली एक्सटेंसिबल. उसमें कुछ करना है डायरेक्टली आप ओवर फंक्शन सब लिखवाए सब डायरेक्टली ओवरराइड कर सकते हो. सीरियलाइजर्स है, सीरियलाइजिंग का मतलब होता है कि लेट्स से अगर आपको एक डेटा को किसी फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली आप सीरियलाइज करते हो उसको पहले. जब भी आप बैक एंड को कॉल करते हो तो वी यूजली सीरियलाइज इट. एंड पैरेलल टू द डॉम, मतलब डॉम के साथ ही चलता है वो. एंड डॉम क्योंकि वो जब सीरियलाइज होता है तो वो डॉम स्ट्रक्चर में ही सीरियलाइज होता है, तो वो बेसिकली आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा उसमें. वोल्टो स्लेट. सो वोल्टो स्लेट मींस स्लेट के ऑन द टॉप ऑफ स्लेट वी हैव डेवलप्ड अ व्यू. सो ये बेसिकली वोल्टो स्लेट इज अ वोल्टो एड ऑन, जो मैंने बताया था ये एक वोल्टो एड ऑन है एंड इट्स प्योरली ओपन सोर्स. आप जा सकते हो github.com/ee/voltoslate. इट्स ओपन सोर्स एंड आप देख सकते हो कैसे काम करता है. तो इट्स बेसिकली इन प्लोन 6 विल बी डिफॉल्टिंग वोल्टो स्लेट एज टेक्स्ट एडिटर फॉर वोल्टो. वोल्टो स्लेट जो है ये हमारा डिफॉल्ट बीटा होने वाला है प्लोन 6 का. एंड इसमें उसके कुछ पॉइंट्स है कि कम्प्लीटली रिप्लेसेबल वोल्टो डिफॉल्ट DraftJS है. सो राइट नाउ वी यूज DraftJS व्हिच इज बाय फेसबुक, बट इन फ्यूचर आई मीन इन क्लोज इट विल बी डिफॉल्टिंग वोल्टो स्लेट एज टेक्स्ट एडिटर फॉर वोल्टो. एंड इट्स स्मॉलर इन साइज, मैंने बताया कि स्लेट यूज करता है, स्लेट इज मच स्मॉलर देन DraftJS, सो इट यूजेस स्लेट. And it also has more powerful content editing experience because इसका जो slate JSON जो इसका data schema है वो बहुत ज़्यादा powerful है content editing experience. वो मैं बताऊँगी क्यों इससे बहुत ज़्यादा easy होता है जब content बनाते हो. और copy paste support है आप बाहर से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी rich text copy करोगे तो आपको जब आप उसे paste करोगे तो वो उसमें आपको formatting उसकी preserve करके रखता है. ये नहीं कि सिर्फ plain text copy करते हो, उसकी formatting भी preserve करता है. That's also a good thing about Volto State. And इसमें plugins जैसे DraftJS जो है वो थर्ड पार्टी प्लगिन यूज करता है, वो DraftJS के plugins होते हैं वो भी फेसबुक ने बनाए होते हैं. बट ये Volto State है, इसका थर्ड पार्टी प्लगिन नहीं है, इसके में सब कुछ इनबिल्ट है. सो वी डोंट नीड टू यूज थर्ड पार्टी प्लगिन्स इन Volto State. सो बेसिकली दिस इज वॉट Volto State editing looks like. So if you let's say this is the editor and this
a placeholder, you can type any text. So let's say if I type this is demo. जैसे आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो एक हमारे पास एक इनलाइन टूल बार खुलता है, दैट इज सिमिलर टू व्हाट मीडियम है, एंड हम लोग इससे सब कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे हम बोल्ड फॉर्मेट में डाल सकते हैं, वी कैन आल्सो ऐड सम लेबल्स हियर, वी कैन आल्सो हम लोग लिंक्स डाल सकते हैं यहाँ पे, एंड जैसे आप दिस इज कॉल्ड एज इनलाइन बटन, एवरीथिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ कस्टमाइजेबल, सो आप जितने चाहे यहाँ पे बटन ऐड कर सकते हो. And we have the settings sidebar. So in Volto, with every block, we do have settings sidebar. इसे हम लोग settings block settings भी बोलते हैं. And I'll show in future, मतलब अभी बताऊंगा मैं कि कैसे ये settings काम करते हैं. Every block is composed of these settings. And for example, ये link है, आप इसमें link title कुछ भी डाल सकते हैं. इसमें आप links डाल सकते हो. And external URL जो है इसमें सब कुछ डाल सकते हो. Target blank भी है इसमें. Link title डाल सकते हो, and then you can see इसमें www. Then if you save it, हमारे पास ये एक hover आता है, and then we can also add that link. Apart from this, ये और भी काफी ज़्यादा features हैं अगर आप देखोगे तो. So this is मतलब यही जो मैंने बताया, जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं कि होवरिंग आप करोगे तो इसका जो भी मैंने बताया जस्ट तो सिलेक्शन आ जाता है. जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जितना भी आप चाहते एक्सटेंसिव कर सकते हो, इट्स हाईली एक्सटेंसिव, तो आप उसको ऑप्शनल एक्सपेंडेड टूल बार भी इसमें खोल सकते हो. तो आप क्लिक करोगे तो इट विल ओपन एक्सपेंडेड टूल बार, एंड एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल. आप यू कैन ऑल्सो डिलीट द इनलाइन टूल बार बटन जो आपकी आपको लगता है यूज नहीं. तो लिंक्स का जो मैंने बताया अभी कि लिंक्स यू कैन डायरेक्टली ऐड एक्सटर्नल लिंक्स, एंड जो भी आप लिंक्स ऐड करोगे तो वहाँ पे वो शो हो सकता है, एंड वो वहीं वहीं पे हाईलाइट भी हो जाएगा, जिसमें बेसिकली लीड्स टू स्टाइलिंग. आप कैसे स्टाइलिंग करते हो डिपेंड ऑन स्टाइल. एंड ये उसके फीचर्स है कुछ, जैसे आप ये सिंगल एक ब्लॉक है, आप इंटर दबाओगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा दूसरे ब्लॉक में. दिस आर सम कॉमन फीचर विच यू कैन ऑल्सो ऑप्ट इन, एंड you can also opt out if you don't need, you can refrain from use that feature. So ये चल जाएगा अगर आप से basically आप किसी भी full stop के बाद उसे enter दबाओगे तो it will split that into a new block. Block क्या होता है, block के बारे में बताऊँ. Block है क्या, like label, it also मतलब supports breaking and joining list items. So जैसे ये list है, it's an ordered list, तो वो आप उसमें split करोगे तो split करना काफी easy है. If you after full stop if you प्रेस इंटर तो वो अपने आप स्प्लिट कर देता है. एंड इंसर्टिंग अ न्यू लिस्ट भी अगर लास्ट में अगर आप करोगे तो वो न्यू लिस्ट यू कैन इंसर्ट. इट्स जस्ट व्हाट वी हैव इन मीडियम, वी हैव इन गूगल डॉक्स, सो इट्स ऑल लाइक ओके ब्लॉक्स. सो बेसिकली ब्लॉक्स इज द आई वुड से इट्स अ मेन टूल विद विच वी क्रिएट कंटेंट इन Volto. तो ब्लॉक्स का मतलब इज बेसिकली you could say it's just a component, React component होता है. It's having its own view and edit layer, and you can basically create जो आपको create करना है, कैसा भी content create करना है, आप इससे blog से कर सकते हो. Basically it's the main part of the engine of Volto. So how do we create content with blogs? So we have this Volto Accordion blog which is designed by EA. It's designed by my company actually. So Volto Accordion blog is a customizable group accordion blog. It's everything is open source. By the way, you can just go to github.ea/ea and you'll find this. You can find that code for it. So basically, accordion hai, and accordion ka accordion block add karte ho. We have the title, we have the child, and this is the slate block basically. Everything we have, jo accordion ke jo bhi andar hai, that is a slate block. Maine bataya. And you, aap kitna bhi isko customize kar sakte ho. For example, ye ho. So maine bataya tha ki every accordion block has a schema. To ye uska schema hai. आपने जैसे अकॉर्डिंग ब्लॉक ऐड किया, आप वहीं से जितने भी पैनल्स चाहे आप ऐड कर सकते हो, वो पैनल्स वहां पे ऐड हो जाएगा. उसमें स्टाइलिंग वहीं से लगा सकते हो, जितनी भी स्टाइलिंग है उसका टाइटल है सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो. मतलब आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सो एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल. सो दैट इज एन इमेज ब्लॉक, जैसे मैंने अकॉर्डिंग ब्लॉक बताया था, दैट इज एन इमेज ब्लॉक. इमेज ब्लॉक भी यही कि आप यू कैन ऐड इमेजेस, एंड हर एक ब्लॉक के साथ उसका एक ब्लॉक सेटिंग्स साइड बार होता है.
तो जैसा कि इसमें है, वी हैव साइड बार एंड वी कैन बेसिकली ऑल्टरनेट जो इमेज का ऑल टैग होता है वो तक हम लोग एडिट कर सकते हैं. वी हैव द अलाइनमेंट एंड वी हैव द साइज, जो साइज है हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं साइजेस एंड एवरीथिंग वी कैन एडिट. दिस इज सो बेसिकली लाइक इन वोल्टो लाइक ऐसे एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल. सो जैसे हमने वोल्टो स्टेट बताया था तो वोल्टो स्टेट को ही हमने कस्टमाइज करके वी हैव बिल्ट अ वोल्टो स्टेट लेवल. सो दिस इज ऑल्सो एन वोल्टो एड ऑन, आई वुड से इट्स अ स्लेट एड ऑन एक्चुअली. सो ये वोल्टो स्टेट को जैसे कि मैंने बताया था जो इनलाइन बटन होते हैं उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, दैट्स जस्ट एक्सटेंशन. सो वी आर एडिंग अ लेवल इन टू दैट बटन. सो इफ यू लाइक गो टू स्लेट बटन, स्लेट लेवल, एंड इफ यू एड अ स्लेट बटन देयर तो वो स्लेट लेवल जो है वहां पे ऐड कर देंगे. एंड यू कैन आल्सो सो एवरी ब्लॉक हैज इट्स सेटिंग्स एंड आप यहां से सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो कि इसका क्या टाइप होगा. टाइप कैन बी हाई इंपोर्टेंस, हाई राइट एंड सो इट्स जस्ट एन एग्जांपल बेसिकली. सो वी कैन आल्सो मेक इट पॉइंटिंग राइट एंड इफ यू क्लिक ऑन सेव देन also it will also save that data. It is just yes. So it's basically आप किसी भी चीज का मतलब this is what is known as inline editing. So inline editing कर सकते हैं यहाँ पे. And this is all because label is also inline. इनलाइन एलिमेंट्स ही हम लोग इसमें डाल सकते हैं बिकॉज इट्स कभी भी हम एक ब्लॉक लेवल एक इनलाइन लेवल एलिमेंट के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं डाल सकते. सो वी कैन ओनली सपोज इनलाइन एलिमेंट्स एंड ओके. सो द अनदर ब्लॉक इज द वोल्टो कॉलम्स ब्लॉक विच वी हैव क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ आवर क्लाइंट. सो this is an EA so render grid based column. So I'll tell you how this works. So because आप कभी भी कोई पेज डिजाइन करोगे आप चाहोगे कि लेफ्ट और राइट में मतलब आप हमेशा ग्रिड यूज करना चाहोगे उसमें कि मुझे जितना भी हो सके मैं अलाइन करूंगा. तो इसलिए वी हैव क्रिएटेड दिस कॉलम्स ब्लॉक एंड इसमें आप जो भी चाहे अपना विड्थ जो कॉलम का विड्थ है वो डाल सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस 50-50, दिस इज 2080 एंड 3070 जो भी है आप विथ है उसमें आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो और उसी विथ का वो कॉलम क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू एड basically if you see if you click on the plus icon this is what is known as a block chooser and yahan pe will have all the blocks which we have created in Volto. basically everything which will help you to create better content. so sab kuch yahan pe listed hai and aap agar text jaise image block hai this is a listening block and this is the video block. agar aapko youtube mein jo video will be appear karne hain just click on and aap isme daal sakte ho. तो डिजाइन में इसका थोड़ा पता नहीं कुछ आ रहा है बिकॉज इट्स रनिंग ऑन द लोकल होस्ट. तो दिस इज अ कॉलम्स ब्लॉक बेसिकली. तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कॉलम क्रिएट करना है 50-50 का तो यहाँ पे 50 एंड 50 का इट्स अ चिल्ड्रन उसका चिल्ड्रन उसमें क्रिएट हो जाएगा एंड दिस इज द लेफ्ट वन एंड दिस इज द राइट वन. सो इट्स बेस्ड ऑन ग्रिड 70x70 सिस्टम. ये हो गया. So this is so we have several set of add-ons. Another add-on is Volto Block Grid, which is developed by Grid Concept, and it's also doing the same, but it's doing in a different manner. So it's basically adding a grid columns, and I think it can add up to four columns. So it's also nice to
लुक एंड सो बिकॉज हम लोग कुछ भी डिजाइन करते हैं तो वी नीड टू हैव स्टाइलिंग राइट सो इन वोल्टो ब्लॉग्स वी डू हैव अ ब्लॉग नेम्ड वोल्टो ब्लॉग स्टाइल सो इट इज व्हाट इट डज इज आप कुछ भी लिखो इट विल स्टाइल इट एंड इट्स हैव सेपरेट ऑप्शंस कि जो सेटिंग साइड बाय है हमारे उसमें ऑप्शंस रहते हैं आप उसे स्टाइल कर सकते हो जो भी आपको चाहिए यू कैन बेसिकली डू व्हाटएवर यू वांट सो जस्ट एडिंग सम स्टाइल्स टू वोल्टो इट्स अनदर फोन एट ऑल अ वोल्टो एट ऑल content type so Alok has already told you about what is a content type and how do you create a new content type content type ka matlab hota hai ki like so aap koi content create kar rahe ho to us content ka kis wo content ka use kya hoga for example jaise news hai we have event content type ki humne koi event banaya hai to us event ka from date hoga to date hoga recurrence hoga to ye sari cheeze aapko us event content type mein milegi aap kuch apna content type bana sakte ho file content type hai file mein aap file upload karoge to file फोल्डर कंटेंट टाइप में एक फोल्डर होगा उसके अंदर सेवरल पेजेस होंगे तो दैट्स अ फोल्डर कंटेंट टाइप वी हैव इमेज कंटेंट टाइप इमेज में इमेज आप अपलोड करोगे तो यू कैन कस्टमाइज इट बेसिकली सो आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट अ न्यू कंटेंट टाइप सो एडिंग अ न्यू कंटेंट इफ यू गो टू 6.down.com द कंट्रोल पैनल डेक्सटरिटी टाइप एंड हियर इज वेयर यू ऐड अ न्यू कंटेंट टाइप सो लेट्स से इफ यू ऐड अ न्यू सो दीस आर द कंटेंट टाइप अवेलेबल and if you go to site setup dictionary type go to add let's say this is my content type description so it created it has created a new content type my content type and then if you go to add a new one then it will label here so this content type is labeled here So in that content type, you can basically do what you want. So every content type has some settings and some behavior which you can enable it whenever you want. So this is a my content type which we have created. So let's say if you want to customize this, you can go to site setup, go to dictionary type, and this is the my new content type. And here you can basically add some settings and add some clone behavior. So behavior is what it's a clone behavior basically, and it allows you to interact with the clone backend. You can also create your own behavior with clone Python. So every content type has these settings. So if you go to the layout, so this is how you add a basically every content type ka har ek content type ka ek layout hota hai. And right now we are using the older system, but if you want to enable blocks, each content type mein blocks enable blocks stage. Then we can also enable the blocks from the this button. So now right now we have the blocks enabled, and this is a layout. So आप जैसे ही उस content type पे click करोगे तो ये layout यहाँ पे खुलता है. For example, यहाँ जैसे मुझे इसमें helper text चाहिए, we can add a text title. You can also make it fixed. So this is settings. This setting is pertaining to this particular block only. This is a block. एंड इसमें आप इसको रीड आउट नहीं कर सकते हो या इसको आप जैसे रीड आउट नहीं करोगे तो आप कोई कुछ भी एडिट नहीं कर सकते लेट्स मेक इट अ रीड ओनली जैसे ही आप इस पे इसको सेव करोगे जैसे अगर मुझे इसमें एक इमेज चाहिए एंड इफ यू सेव इट इसको नॉट सेव एंड राइट नाउ लेट्स से इफ यू ऐड अ न्यू माय कंटेंट टाइप देन जो मैंने अभी क्लिक किया था वो आ गया वहाँ पे कि वी हैव अ टाइटल जो कि रीड में है एंड मैंने So basically it's a layout, it's called as dictionary type layout and it's a fixed, you can't delete it actually. So this is a required one, मैंने इस पर required पे टिक किया है तो आप इसका delete नहीं कर सकते. So this is how, this is basically a template, अगर आपको template create करना होगा किसी content type को तो you can do it. And then you can basically add whatever you want, you can upload an image and this is how to create a new content type. And this is what I just wrote. So we can हर एक ब्लॉक पे एक सेटिंग्स हैं एंड वी कैन बेसिकली ऐड दैट इन द इस ब्लॉक के बाद कोई ब्लॉक नहीं ऐड करना तो वी कैन डिसेबल ब्लॉक एंड अदर थिंग कंटेंट टाइप ऐड ऑन्स सो ऐड ऑन्स जैसा कि मैंने बताया कि क्लोन के जो ऐड ऑन्स होते हैं दैट्स रिटन इन पाइथन एंड जो वोल्टो के ऐड ऑन हैं दे आर रिटन इन जावास्क्रिप्ट सो बेसिकली
थिंग इज इफ यू वॉन्ट आपको आप चाहते हो आपका वोल्टो एड ऑन अगर क्रोम से इंटरनेट करे देन यू नीड टू हैव द रेस्ट एपी एंडपॉइंट फॉर इट बिकॉज बैकएंड से आप जब भी इंटरनेट करते हो जो आपके पास उसका रेस्ट एपी एंडपॉइंट होगा. So basically we are talking about the Volto add-ons, and Volto add-ons is basically it could be a block or it could be a if you want to it could behave like control panel or it could behave like anything. So this is basically it could also behave like a view, so it can be anything. So it's a Volto add-on, and add-ons provide more power control over Volto extending its powers. So I would say that without an add-on, without ecosystem of add-ons, Volto is nothing. So we should have if you see WordPress has lots of add-ons. If you see Drupal, so everything comes with its own power, right? So Volto ke liye add-ons hona bahut zyada beneficial hai. So ek config register hai, we have known as the add-ons registry, where we add these add-ons, and basically it's a JavaScript file. You can look at in your own Volto, you can see how the add-ons are registered, and so this is how the add-ons are connected. You can not going to explain the code here, but you can go to the Chrome Volto repo and you can find the add-ons registry.js and see how the add-ons are registered. Theming. So like jo maine pehle bataya tha isme ki Volto can be it's highly customizable CMS. So right now we are using by default the Pastanaga, but we can always customize it. So this is how we customize themes. So all the themes, they reside in the themes with a theme.config registry, and this is how the config registry looks. And let's say we have a component, button, container, divider, flag, header, icon, image. We can just write the name of the theme and we can provide the components, the styles for it inside the theme folder. And this is how we basically add a new theme. You can learn more about the theming basically. So every theme has this. So basically this is nothing but how semantic UI theming works. It's not different, it's not other than semantic UI. It's the same. How semantic UI theming works, this is the same. So all themes have this following structure: assets, collection, element, extras. So yes, all these structures hands man, you can basically customize the overall perception. So we have to individual component has less files. Example, a button variable contains all default less variables, and button consumes custom.less can be written in ORX. Matlab, basically it's how a semantic UI theming engine works. It's nothing more basically. So koi alag kaam nahi hai, just semantic UI theming. You can just read about it. Yeah. So you can read about this. If you want to read about in Volto context how we design Pastanaga, then you can go to see there. Docs won't be recently updated our blog docs. So yes, semantic UI theming आप इसमें देख सकते हो, and अगर आपको React theming semantic UI theming के बारे में देखना है तो this is the link. React semantic UI slash theming you can go to. So Volto in production, because so we have several we have lots of websites which use Volto in production right now, and we also encourage every customers of us to adopt Volto as much as possible. So ये कुछ वेबसाइट्स हैं, आप इन लिंक पे जा सकते हो एंड यू कैन सी Volto प्रोडक्शन. सो वन ऑफ माय लाइक वेबसाइट व्हिच आई हैव क्रिएटेड विद माय कलीग्स एट ईए इज द फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर यूरोप, व्हिच बेसिकली अ यूरोपियन यूनियन वेबसाइट व्हिच गैदर्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द यूरोप्स फॉरेस्ट, एंड इट्स बेसिकली अ Volto वेबसाइट एंड इट्स क्रिएटेड राइट नाउ आई थिंक इट्स रनिंग विद Volto 15. And it's also having the clone, I think it's having clone 5 as backend right now, and it has some good support. So you can have it. This is just the mockup. We have some other, it's a BICE, this is also sponsored by European Environment Agency. It's for biodiversity website, and it's also returning Volto. The other one is Osaka University. This university is from Japan, and so Japanese guys, they have developed this Osaka University website. This is also running in Volto, and it's a nice website. You can visit it, osaka.uac.jp. It's a really nice awesome website. And then, I would really ask you to contribute to Clone and Volto if you want, because it's open source. It's totally up to the
members or contributors, how they want to contribute. It can be easily, it can be from documentation to writing code or maybe organizing sprints or whatever. Like you've seen also, Tron has participated in Google Summer of Code, so you can also participate in Google Summer of Code, I think. So Tron, usually every year they come, they participate in Google Summer of Code, so you can do it. So I would say that there's several benefits which is which open source community gives. So for example, they say diverse and highly motivated, because in Tron we have it's almost more than 45 countries hamare paas ban rahe hain. So it's highly diverse and motivated we have, because we usually have sprints. So in May, I mean last month, I mean next month also hamari sprint hai with our major mein. So we usually organize sprints throughout the year. So आप sprints इसमें participate कर सकते हो. That's why we it's a highly motivated organization. And generate resources for collaborative, because जो भी इनके साथ Tron के साथ काम करती हैं वो Tron ही use करती हैं. And we used to work together. So that's how Tron works. And Tron is a community जो कि ideas को welcome करती है. It's not कि अगर आप junior हो तो आप क्या ideas को welcome नहीं करेंगे. It really really recognizes ideas and everything. So it's a so practical. Okay. So it's also has like practical, lots of practical skills for its old developers, which is under its organization. And also it's adaptable to needs, because अगर कोई conflict आता है किसी interest में तो they can, इनके पास हमारे पास एक clone का foundation board है जो भी decide करते हैं कि कैसे चीजें करनी हैं. So we usually like run the community like this. So yeah, you the main goal of the World Clone Day is to marketize clone, and so I'll ask you to contribute to clone and get a chance to be a part of awesome community. You can like see like learn about clone in this website clone.org, and you can see how the clone community works. Everything is written in that, and yeah, contribute to clone. And you can, thank you.